द चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी मिनरल न्यूट्रिशन. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसी वीक में ये एंड हो जाएगा. मतलब हमें ऑलमोस्ट इसमें बहुत कम समय लगने वाला है, 6 लेक्चर्स के आसपास. तो मिनरल न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है दैट कंटेन्स ऑल दोज डिटेल्स जो कि आपको जानने हैं अबाउट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जब भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं तो वही चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपको एक्सप्लेन होने वाली हैं. इसके अलावा यहाँ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा चैप्टर का, जिसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट विल बी नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर यू कैन से दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, तो वो बातें हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं. काफ़ी छोटा सा चैप्टर है. एंड हाँ, अगर मैं इसको एनालाइज करूँ कि कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेगा, मतलब जो एमसीक्यूज यहाँ से बनेंगे, तो रिमेम्बर इट इज अ मेमोरी बेस्ड चैप्टर. और इसका जो फिक्सेशन वाला पार्ट है वो जरूर कंसेप्चुअल पार्ट है, बट बाकी जगह आपको केवल ये याद करना होगा कि कौन सी एलिमेंट की डिफिशियंसी से क्या होता है, किस एलिमेंट की डिफिशियंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको पूरा कैसे किया जा सकता है, केवल ये डेटा आपको याद करना होगा. ओके, तो दिस इज अ जिस्ट ऑफ द क्लास इन फ्रंट ऑफ यू. सबसे पहले हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है. सेकेंडली वी आर गोइंग टू कैटेगराइज ऑल द एलिमेंट्स इनटू टू हाफ, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो. बट उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को किसी पौधे के लिए असेंशियल बता रहे हो तो वो कैसे बताया जा सकता है. दैट विल बी द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग असेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट. इसके अलावा वी विल लर्न अबाउट टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स यू कैन से. देन वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑफ मिनरल एंड नॉन मिनरल एलिमेंट्स. और उसके बाद हम सीखेंगे अबाउट द डिटर्मिनेशन, मतलब कि हाइड्रोपोनिक्स का टेक्निक जो होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें जाननी है. सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो जो हमारा हेडिंग है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के बारे में हम अभी जानने वाले हैं देन व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन. अगर कोई आपसे ये चीज पूछ लेता है कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है मीनिंग ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो समबडी माइट आस्क यू कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब फिर क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे किसी भी प्लांट को ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन मिलता है. ये अगर आप लोग को इसका आंसर पता है देन यू कैन रिप्लाई और आंसर. टिल देन मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है. लिबिक नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक लॉ प्रपोज किया था, एक लॉ बताया था, और वो जो लॉ होती है उसका नाम होता है लॉ ऑफ मिनिमम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मिनिमम या अकॉर्डिंग टू द लॉ गिवन बाय लिबिक, ये बताया गया कि किसी भी सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि किसी भी सॉइल के ऊपर कितनी फार्मिंग की जा सकती है, वहां पर कितना वेजिटेशन है जो कि एफिशिएंटली सपोर्ट किया जा सकता है, वो उस सॉइल की प्रोडक्टिविटी होती है. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है किस चीज पर, कि उस सॉइल में जो मिनरल आयंस होते हैं वो कितने डेफिशिएंट हैं, वो कितने कम हैं, या वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मिनिमम. क्लियर, अब देखिए मिनरल आयंस जितनी मात्रा में प्रेजेंट होंगे सॉइल के अंदर, जो सपोर्ट किया जाएगा वेजिटेशन को या सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी बनेगी वो कंप्लीटली उसी चीज पे डिपेंड करेगी. ऑल राइट, तो यहाँ अगर मिनरल आयंस की हम बात कर रहे हैं या मिनरल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता चलता है ये लॉ से कि कम्प्लीटली जो भी किसी प्लांट का डेवलपमेंट है, जो भी किसी प्लांट का ग्रोथ है, दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द मिनरल अमाउंट ऑफ द सॉइल या मिनरल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल जिसमें वो प्लांट ग्रो कर रहा है. सेकेंडली, अगर आप ये देखेंगे कि प्लांट के अंदर कितने ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे, तो द नंबर इज अराउंड 30 to 40. ठीक है,
अब मजे की बात ये है कि यहाँ पे 30-40 एलिमेंट्स को माना गया है कि वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, बट ये सारे के सारे किसी भी प्लांट के लिए असेंशियल नहीं होते। मतलब अगर 30-40 एलिमेंट आपको किसी प्लांट के अंदर मिला है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि वो सबके सब असेंशियल है प्लांट के लिए, इट इज नॉट लाइक दैट। उसमें से कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि असेंशियल होंगे और कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि नॉन असेंशियल होंगे। तो बिफोर मूविंग ऑन टू दिस क्राइटेरिया, मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आती हूँ। यहाँ पे आपको ये बताया गया कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मिनरल एलिमेंट्स। तो अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या निकलेगा? ओके फाइन, आई हैव रिसीव्ड सम ऑफ द आंसर्स। यहाँ पर एक आंसर तो ये है, अवॉइड मैन मेड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ओके फाइन। सेकेंड थिंग इज, आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट प्लांट्स टेक इनऑर्गेनिक मटीरियल एंड कन्वर्ट देम इनटू ऑर्गेनिक। वेरी ट्रू पूनम, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। रया, आपका आंसर भी करेक्ट है, बट दैट इज समवॉट रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपसे अभी पूछा गया है ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, तो आपको मैं बिल्कुल सिंपल सा एक वर्ड में आंसर दे देती हूँ यहाँ पे, कि जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि किसी भी प्लांट के अंदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, या व्हाट इज द मेथड जो कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के अंदर आएगा, तो आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर होना चाहिए फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का आंसर होगा, और वो एक वर्ड का आंसर जो यहाँ पर आप देंगे वो आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फोटोसिंथेसिस कैसे। ठीक है, तो जब आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ध्यान से देखोगे ना, उसका जो केमिकल रिएक्शन आपको किताबों में दिया होता है, व्हेन यू विल हैव अ लुक एट इट, तो आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज द इनऑर्गेनिक पार्ट और द रॉ मटेरियल। जैसा कि अभी पूनम ने आंसर किया है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने यूज किया, एंड देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। जब हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो ऑल्दो आपने अभी वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आप ग्लूकोज के बारे में जानेंगे। ग्लूकोज जो होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब भी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल कही जाती हैं। डू यू ऑल गेट माई पॉइंट कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ? जब भी हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन या लिपिड्स की, तो दीज आर कंसिडर्ड एज बायो मॉलिक्यूल्स, मतलब कि लिविंग मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो दैट इज द रीजन कि जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके हमने क्या सिंथेसाइज किया, प्लांट के लिए फूड सिंथेसाइज किया, एंड दैट वॉज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ये जो ग्लूकोज होता है दैट इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो वो कंप्लीट जो प्रोसीजर होगा वो कौन सी कैटेगरी के अंडर आएगा, वो आएगा इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन दोनों का ही मतलब मालूम है। अब पहले हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन डील कर रहे हैं, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे चैप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा कि अब हम प्लांट के ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट चीज जो हमको यहाँ पे डील करनी है वो है अबाउट क्राइटेरिया। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया के बारे में हमको बात करना है? हमको बात करना है अबाउट कि जो भी मिनरल एलिमेंट्स प्लांट के अंदर है, जिसका नंबर 30-40 है। ठीक है, हमने बताया कि वो 30-40 एलिमेंट्स सारे के सारे असेंशियल नहीं होंगे, तो हमें ये जानना है कि आउट ऑफ दैट 30 or 40 एलिमेंट्स, विच एलिमेंट्स विल बी कंसिडर्ड असेंशियल एंड विच विल बी कंसिडर्ड नॉन असेंशियल, ये हमें कैटेगराइज करना है। तो जब हम ये चीज कैटेगराइज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे या कुछ एलिजिबिलिटीज होंगी जो वहां पे कंसिडर करनी होंगी। ठीक है,
कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानना होगा जो असेंशियल एलिमेंट्स के पास होती हैं और नॉन असेंशियल एलिमेंट्स के पास नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हम क्राइटेरिया देखने वाले हैं, दिस इज एक्चुअली ऑल दोज प्रॉपर्टीज दैट डिफरेंशिएट असेंशियल एलिमेंट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ नॉन असेंशियल एलिमेंट। क्लियर, वो सारी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी या ये जो क्राइटेरिया है, दैट वॉज प्रोवाइडेड बाय एनॉन एंड स्टाउट, उन्होंने ये प्रोवाइड किया था। अब कुछ बेसिक सी चीजें हैं या कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जो असेंशियल एलिमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगी फ्रॉम नॉन असेंशियल। सबसे पहला तो ये कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को असेंशियल कह रहे हैं तो उसका जो ग्रोथ ऑफ प्लांट में रोल है वो इंडिस्पेंसिबल होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिस्पेंसिबल? द एलिमेंट शुड हैव एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट को आपने असेंशियल कहा है तो उसका एक इम्पॉर्टेंट, उसका एक कंसिडरेबल, उसका एक डिटेक्टेबल रोल होना चाहिए जो कि आपको क्लियर आउट नजर आए व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। आप अगर ग्रोथ ऑफ प्लांट जज कर रहे हो तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ, इस एलिमेंट ने ग्रोथ में एक डिटेक्टेबल रोल किया है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी कि जो भी एलिमेंट को आप असेंशियल मानते हो, दैट शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशनल प्रोसेस ऑफ अ प्लांट। प्लांट का जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, उस एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट होना चाहिए न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, ठीक है। अब वो उसका जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आइदर इट कैन बी स्ट्रक्चरल और इट कैन बी फंक्शनल, ठीक है। स्ट्रक्चरल का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मैग्नीशियम जानते हैं आप लोग, मैग्नीशियम सभी ने सुना है। क्लोरोफिल जानते हैं सब, क्लोरोफिल भी सभी ने सुना है। क्या आपको पता है कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है उसके केमिकल स्ट्रक्चर में? डू यू ऑल नो दैट, यस और नो? क्या आपको इस बारे में पता था कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट मैग्नीशियम भी है? ओके, जिनको नहीं पता है वो अब जान लें। तो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है, दैट इज मैग्नीशियम, एंड यू ऑल नो दैट मैग्नीशियम विल बी कंसिडर्ड एज मिनरल एलिमेंट, ठीक है। तो देखो, मैग्नीशियम ने क्लोरोफिल में जाके उसके स्ट्रक्चर में अपने आप को एम्बेड कर लिया है, उसका स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट बन चुका है, जिसके बिना क्लोरोफिल फंक्शनल हो ही नहीं सकता या एक्टिवेट हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से क्लोरोफिल जो है वो हम यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट के न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। तो आप देखो कि मैग्नीशियम का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हो गया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। क्यों डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया? क्योंकि हमें पता है कि वहां पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्लोरोफिल का होता है, और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल पार्ट, ठीक है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल पार्ट यहाँ जो मैंने आपके लिए मेंशन किया है, स्ट्रक्चरल पार्ट बन गया मैग्नीशियम। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं कि अगर कोई भी पौधा किसी एलिमेंट के बगैर, ठीक है, कोई भी पौधा किसी एलिमेंट के बगैर अपना वेजिटेटिव फेज या अपना रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो वो एलिमेंट उस पौधे के लिए असेंशियल माना जाएगा, ठीक है। आई गेस कि आप वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब समझते होंगे। किसी भी प्लांट का वेजिटेटिव फेज जो होता है वो उसका ग्रोइंग फेज होता है या उसका ग्रोइंग पीरियड होता है, ठीक है। वेजिटेटिव फेज जो होता है वो रिप्रोडक्टिव फेज के पहले होता है, एंड देन रिप्रोडक्टिव फेज होगा जिसमें कि फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी प्लांट्स के अंदर, वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल होंगे। तो उन दोनों फेजेस में अगर किसी भी एलिमेंट की कमी खल रही है, वहां पे वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है उस एलिमेंट के एब्सेंस में, तो वो एलिमेंट प्लांट के लिए क्या माना जाएगा? असेंशियल माना जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जिस एलिमेंट को आपने असेंशियल बोला है उस एलिमेंट का कोई भी सब्स्टिट्यूशन
या उस एलिमेंट का कोई भी रिप्लेसमेंट प्लांट के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो एलिमेंट नहीं है तो प्लांट का जो काम है वो कंप्लीटली रुक जाना चाहिए, तब उस एलिमेंट को क्या माना जाएगा, असेंशियल माना जाएगा, ठीक है। अगर उस एलिमेंट का रिप्लेसमेंट है, अगर उस एलिमेंट का सब्स्टिट्यूशन है, उसका काम किसी दूसरे एलिमेंट से करवाया जा सकता है, तो फिर वो असेंशियल नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, अगर मैं आपको कोई रियलिस्टिक एग्जाम्पल दूं तो देखो, आपके पास वाटर का और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, दैट इज क्वाइट असेंशियल थिंग फॉर आर लाइफ। तो जिस चीज का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, या फिर यहाँ पर जिस एलिमेंट का सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, दैट विल बी असेंशियल। अगली बात, अगर वो एलिमेंट एब्सेंट हो गई तो प्लांट को प्रॉब्लम होने लगेगी। तो दैट इज द थिंग कि जब भी वो एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी पौधे के अंदर, तो उससे पौधे के ग्रोथ में, पौधे के फंक्शंस में बहुत सारे आपको डिसऑर्डर्स दिखाई देंगे। मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्डरली मैनर में काम नहीं करेगा, एफिशिएंटली फंक्शन नहीं करेगा उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। इसके अलावा जो एलिमेंट की डेफिशिएंसी है, जो एलिमेंट की कमी है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर हुआ है, तो उस डिसऑर्डर को ठीक करने का काम, मतलब पौधे को जो बीमारी हुई है उसकी दवाई जो आप लाएंगे, वो दवाई वो एलिमेंट ही होनी चाहिए। अगर वो एलिमेंट आएगा तो डिसऑर्डर करेक्ट होगा, अगर वो एलिमेंट नहीं मिला तो डिसऑर्डर के जो भी सिम्टम्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो कि किसी भी एलिमेंट को प्लांट के लिए असेंशियल बनाती हैं। अगर उस एलिमेंट के पास ये सारी कैटेगरीज के जो भी आपका प्रॉपर्टी लिखा है, ये सारे पॉइंट्स उसके ऊपर हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट असेंशियल होगी। और अगर ये सारे फीचर्स उसके पास नहीं है तो एलिमेंट को क्या माना जाएगा, नॉन असेंशियल एलिमेंट माना जाएगा, ओके। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपका 30 से 40 का नंबर है, उसमें से 16 एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने एसेंशियल माना है, ऑलराइट। और उनकी एक लिस्ट आपके सामने दे दी गई है कि वो कौन कौन से होते हैं। अब ये जो आपकी लिस्ट है उसमें रीसेंट एडिशन जो हुआ है वो कौन से एलिमेंट का हुआ है, फाइन। बिफोर दैट आई हैव अ डाउट, सिट्रस कैंकर कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ डिसऑर्डर। सिट्रस कैंकर इज अ टाइप ऑफ प्लांट डिजीज, रया, ठीक है। सिट्रस कैंकर जो होता है उसका पॉजिटिव एजेंट होता है, ओके। तो वो एक डिजीज है, उसमें मिनरल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी जो है वो हो ना हो वो सेकेंडरी मैटर हो जाता है। द प्राइमरी मैटर इज पॉजिटिव एजेंट जिसने सिट्रस कैंकर फैलाया है, ठीक है। तो सिट्रस कैंकर विल बी बेस्ट कैटेगराइज्ड अंडर प्लांट डिजीज, इज इट ओके, बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव एजेंट। तो जब पॉजिटिव एजेंट या पैथोजन से कोई डिसऑर्डर क्रिएट होता है तो वो डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो मिनरल डिफिशियंसी की कैटेगरी में आप उसको नहीं ला सकते हो, ओके। टेक्निकली ऐसा नहीं किया जा सकता, फाइन, ओके। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपके सामने यहाँ पे लिस्ट लिखी गई है एलिमेंट्स की जो कि असेंशियल मानी गई है। नाउ रिमेम्बर, four elements, that is silicon, cobalt, vanadium and nickel, these have been recently added to the list and I star mark all these four elements kyunki NCERT in charo ko essential consider nahi karti hai, theek hai. Jab aap NCERT mein ye chapter ko read karoge to aapko samajh mein aayega ki ye charo elements ka naam essential elements ki list mein nahi hota hai, all right. Lekin ha, recent डेटा के अकॉर्डिंग या रीसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग दीज फोर एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड अंडर एसेंशियल एलिमेंट्स, इनकी एसेंशियलिटी प्रूव हो चुकी है। तो इज इट क्लियर? बाद में आप लोग मुझसे ये डाउट पुट अप मत करिएगा कि मैम इन चारों का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, दैट इज व्हाई आई मेड इट वेरी क्लियर कि वहां एनसीईआरटी में इन चारों को एसेंशियल कंसिडर नहीं किया जाता है। अब ये जो एलिमेंट्स आपके सामने लिखे गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन, अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी एलिमेंट्स बचे वो सारे एलिमेंट्स को आप कौन से एलिमेंट्स के नाम से जानोगे? वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कहलाएंगे नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है।
नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स। अब ये जो नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, इसको आपने नॉन इसेंशियल तो बोल दिया, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि प्लांट बॉडी के अंदर इनका कोई फंक्शन नहीं होता, याद रखिए इस बात को, ठीक है? ऐसा नहीं है कि प्लांट बॉडी के अंदर इनका कोई फंक्शन नहीं होता। कुछ ऐसे भी नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, खास करके सोडियम एंड एल्यूमिनियम, जिनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जिनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शन प्लांट बॉडी के अंदर देखा गया है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो सोडियम का जो रोल होता है, सोडियम आप सब जानते हैं दैट इज Na+, ये सोडियम का आयन है, बट अगर आप पूरे के पूरे सोडियम की ही बात कर रहे हैं तो ये इसका जो फंक्शन है दैट इज फाउंड टू बी इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ठीक है? ये मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को मेंटेन करके रखता है किसके अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर। तो जब भी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी हमें कंट्रोल करनी है, रेगुलेट करनी है, तो फॉर दैट पर्पस वी विल बी नीडिंग सोडियम। सोडियम को ऑल्दो कैटेगराइज किया गया है नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स में, क्योंकि इसकी एसेंशियलिटी प्रूव नहीं हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानेंगे कि जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो पौधे के अंदर कुछ भी काम नहीं करते, उनका कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है? वैसे ही अगर मैं आपको सिलिकॉन का एग्जाम्पल दूँ तो सिलिकॉन का जो इम्पोर्टेंस होता है वो ग्रासेस के अंदर होता है, मतलब गार्डन में जो घास लगी होती है वहां पर इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इसकी एसेंशियलिटी तो अब आप देख रहे हैं कि प्रूव भी हो चुकी है। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी एसेंशियलिटी प्रूव भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनका फंक्शन जो है वो नोटेबल है। तो सोडियम का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका इम्पोर्टेंट रोल है प्लांट के अंदर लेकिन उसकी एसेंशियलिटी प्रूव नहीं हुई है, तब आप उसको किस नाम से जानेंगे? तब हम उसको टर्म देते हैं फंक्शनल एलिमेंट, या फिर यू कैन से नॉन असेंशियल फंक्शनल एलिमेंट, ठीक है? ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ओके? और जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे भले ही वो नॉन असेंशियल हो, बट दे माइट हैव अ रोल। इसके अलावा आगे क्या होगा कि जितने भी हमारे असेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी एलिमेंट ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए और कौन सी एलिमेंट कम क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है? यहाँ पर असेंशियल एलिमेंट्स के दो ब्रॉड कैटेगरीज बन जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच कंसंट्रेशन इज नीडेड फॉर द प्लांट बॉडी, ठीक है? तो यहाँ पे दो कैटेगरी कौन कौन सी होगी, एक होंगे मैक्रो एलिमेंट्स और दूसरे होंगे माइक्रो एलिमेंट्स, ठीक है? मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स विल बी यूज्ड हियर। सेल वॉल ऑफ ग्रास हैज सिलिकॉन प्रोवाइडिंग रिजिडिटी, ओके। देखिए पूनम, ये तो ग्रास का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, बट इसके अलावा दूसरे भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके हमने ये पता लगाया है कि सिलिकॉन असेंशियल है, ठीक है? लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि NCERT अभी भी इसको कंसिडर नहीं करती है, वहां पर ऐसा नहीं लिखा गया है, बट ये प्रूव हो चुका है, ठीक है? तो बहुत जल्द जब वहां पे अपग्रेडेशन होगा या बुक को अपडेट किया जाएगा तो शायद वो इंक्लूड भी करेंगे, बट फॉर नाउ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ग्रास का एग्जाम्पल दिया, बट और भी ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे अगर आप लोअर प्लांट्स देखेंगे तो वहां पे इक्विसिटम भी होता है जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कुछ हायर प्लांट्स, मतलब कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर भी इसका रोल देखा गया है, और उसी के बेसिस पे ये ड्रॉ आउट हुआ है कि सिलिकॉन जो है दैट विल बी असेंशियल, ठीक है? मैंने आपके लिए एक एग्जांपल पुट अप किया, बट इफ यू वांट टू नो अबाउट द लोअर प्लांट्स तो वहाँ इक्विसिटम में भी होता है, इसके अलावा बहुत सारे हायर प्लांट्स में भी ये प्रूव किया जा सकता है, ओके? जब भी कोई चीज को हम प्रूव कर देते हैं ना कि वो असेंशियल हो गई है, या कोई भी चीज हमें जब प्रूव करनी है तो उसके पीछे काफी सारे और भी प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट या उनकी स्टडीज इन्वॉल्व होती है। तो आई हैव गिवन यू ओनली वन एग्जांपल, बट आई विल ट्राई एंड गिव कि मैं आपको और भी एग्जांपल्स दे दूं जिससे आपको ये पता चल जाए कि सिलिकॉन, वेनेडियम, ये सब कैसे प्रूव हुए हैं असेंशियल, ठीक है? तो श्योरली मैं आपको ये चीज प्रोवाइड कर दूंगी।
आते हैं टॉपिक पे वापस कि यहाँ पे जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं दैट विल बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स. अब रिमेम्बर, बहुत सारी किताबों के अंदर या बहुत सारे सोर्सेस में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं वो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो माइनर एलिमेंट्स होते हैं, और जो एलिमेंट्स एकदम कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, मतलब चुटकी भर अमाउंट में जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं. बहुत सारी जगह आप ऐसा लिखा हुआ देखेंगे. लेकिन धोखा नहीं खाना है. धोखा इसीलिए नहीं खाना है कि अगर आप मेजर एलिमेंट बोल रहे हैं, आप माइनर एलिमेंट बोल रहे हैं, या फिर आप ट्रेस एलिमेंट बोल रहे हैं, तो दीज थ्री टर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर द केस ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन. ठीक है, दीज थ्री टर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड. जब हम बात कर रहे हैं किस बारे में, हम एनिमल न्यूट्रिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तभी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अगर ऐसा लिखा भी है कहीं पर तो हाँ, नॉट रॉन्ग बट टेक्निकली नॉट ट्रू. ये चीज मेरा आपको बताने का लॉजिक था. ठीक है, याद रखिए कि अगर कहीं पर ये टर्म्स यूज किए गए तो टेक्निकली इनका इस्तेमाल एनिमल न्यूट्रिशन एलिमेंट्स के लिए किया जाता है, नॉट फॉर प्लांट न्यूट्रिशन एलिमेंट्स. ऑलराइट, अब हम चले जाते हैं मीनिंग पे कि ये मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स होते क्या हैं. तो जब हम बात कर रहे हैं मैक्रो एलिमेंट्स की, तो दीज आर सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो कि एक्सेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती हैं, या फिर यू कैन से 10 मिलीमोल पर किलोग्राम. ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन यहाँ आपके सामने लिखी गई है. अगर इतना किसी भी एलिमेंट का रिक्वायरमेंट है ड्राई मैटर में, ड्राई मैटर और फ्रेश मैटर समझते हैं आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई मैटर, फ्रेश मैटर, या ड्राई वेट एंड फ्रेश वेट, आप लोग को ये चीज पता है? डू यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ ड्राई मैटर, फ्रेश मैटर? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ. यस, ड्राई मैटर स्टैंड्स फॉर जब प्लांट बॉडी से पूरा का पूरा वाटर का क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट कर लिया गया हो. ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसमें सूखी हुई चीजें बचनी चाहिए, ऐश बचनी चाहिए, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ड्राई मैटर. और अगर वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है, अगर वहां पे साइटोप्लाज्म है, हर जगह पर फ्लूइड कंटेंट बराबर है, तो वो हम फ्रेश मैटर कंसिडर करते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेश मैटर एंड ड्राई मैटर. तो देखो, अगर आपको एग्जैक्ट कंसंट्रेशन जाननी है किसी भी एलिमेंट की प्लांट बॉडी में या एनिमल बॉडी में, तो उसके लिए जो प्रॉपर स्टेट होता है दैट इज ड्राई मैटर. ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर फ्रेश मैटर आप देखोगे तो उसमें प्लांट बॉडी का जो वजन है फ्रेश मैटर की वजह से वो वेरिएबल हो सकता है, वो फ्लक्चुएट करेगा. ठीक है, अगर हम इंसानों का एग्जाम्पल ले लें तो हमें पता है कि जब तक हमारा फ्रेश मैटर है तो हम मोटे हो सकते हैं, हम पतले हो सकते हैं, वो तो फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा. ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आपको किसी मिनरल की कंसंट्रेशन जाननी है तो द प्रॉपर स्टेट वुड बी ड्राई मैटर या ड्राई वेट. ठीक है, उसमें आपको कंसंट्रेशन एक्यूरेट मालूम चलती है. तो यहाँ पे ड्राई मैटर के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन होनी चाहिए इतनी, और अगर ये एलिमेंट एक्सेस में पाया जा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन ड्राई मैटर में इतनी पाई जा रही है, तो उसका मतलब होगा कि वो मैक्रो एलिमेंट होगी. अब यूजुअली मैक्रो एलिमेंट्स का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होना, या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल को डेवलप करना. नाउ लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए. आपको यहाँ पर तीन एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यस और नो, क्या आप लोगों को कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दिख रहा है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आप यहाँ फैट लिखेंगे, या फिर यू कैन से फैटी एसिड लिख रहे हो आप, या फिर आप प्रोटीन देखते हो, या फिर सबसे सिंपल ले लेते हैं कि यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको अच्छे से पता है कि ये सब बायोमोलिक्यूल हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों के तीनों एलिमेंट इन्वॉल्व हो गए,
और ये कौन सा मॉलिक्यूल था, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, तो इसका मतलब ये निकला कि एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में पड़ती है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे के चैप्टर में जाते हैं, क्या आप लोगों को ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा याद है? डू यू ऑल रिमेम्बर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? यस, तो मुझे बताइए वहां पे कौन सी एलिमेंट की जरूरत हमें लगी थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के दौरान, जो हम मेंटेन कर रहे थे सेल की टर्जिडिटी, या वहां पे कौन सी एलिमेंट हमें यूज हुई थी? वेरी नाइस, वहां पे हमारे पास यूज हुआ था पोटेशियम, मतलब कि अगर यहाँ के अकॉर्डिंग में आपको वो चीज दिखाऊं तो दैट वॉज के, ठीक है, इसका हमें यूज करना पड़ा था वहां पे। आपने देखा था इसका इनफ्लक्स होता है, इफ्लक्स होता है, और उसी से ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब सेल का टर्जिडिटी मेंटेन होता है और उसका फ्लैसिडिटी मेंटेन होता है। तो टर्जिडिटी फ्लैसिडिटी बोल रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक्टिव है, ठीक है, तो वहां पोटेशियम की जरूरत पड़ी थी। तो ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल से ये चीज एक्सप्लेन कर दी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने में मैक्रो एलिमेंट्स की जरूरत लगती है। अगली चीज कि अगर मैक्रो एलिमेंट जरूरत से ज्यादा भी हो जाए, मतलब यहाँ पर आप जो इसका कंसंट्रेशन देख रहे हो, जो ये लिखा गया है आपके सामने ड्राई मैटर के बेसिस पे, दिस इज ओनली अ स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, बट वॉट इफ अगर इनका प्रेजेंस स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन से अगर मैक्रो एलिमेंट ज्यादा भी प्रेजेंट होंगे तो उससे प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे टॉक्सिसिटी नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन से ज्यादा हमने उसको एलिमेंट दे दिया तो पौधे के ऊपर बुरा असर पड़ने लगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस होने लगा, उसी को हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर इनके एक्सेस होने से कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होती, ठीक है। अगली चीज जो हमें जाननी है दैट इज अबाउट माइक्रो एलिमेंट्स। अब ये जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं इनका भी एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन यहाँ पर फिक्स किया गया है। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, यहाँ पे आपको ये 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर से भी कम मिलना चाहिए तब उस एलिमेंट को क्या कंसिडर किया जाता है, तब उस एलिमेंट को कंसिडर किया जाता है माइक्रो एलिमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ कंसंट्रेशन पढ़ के, ये जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है इसको पढ़ के ही आप समझ गए होंगे कि कितनी कम मात्रा में या कितनी कम अमाउंट में आपको यहाँ पर इनकी जरूरत होगी, बहुत छोटी सी क्वांटिटी में आपको ये चाहिए। और यही एक रीजन है कि कुछ किताबों में इसे ट्रेस एलिमेंट कंसिडर कर दिया जाता है, लेकिन याद रखिए कि जब भी हम ट्रेस एलिमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं तो दैट इज टेक्निकली यूज्ड इन केस ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एलिमेंट्स, नॉट फॉर प्लांट्स, ओके। अब इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है माइक्रो एलिमेंट्स का? इनका बेसिक फंक्शन होता है कि एंजाइम्स के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं एज अ कोफैक्टर या मेटल एक्टिवेटर। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, रूबिस्को याद है क्या आप लोगों को? रूबिस्को याद है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं इसीलिए मैंने रूबिस्को का एग्जाम्पल लिया है। डू यू ऑल रिमेम्बर रूबिस्को एंजाइम? जस्ट से यस और नो। रूबिस्को एंजाइम, यस, वेरी गुड कुणाल। इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, और ये हमने कब सीखा था? जब हमने सेल का चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, ओके। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आई टोल्ड यू अबाउट रूबिस्को एंजाइम, इसका फुल फॉर्म था राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। तो ये जो एंजाइम होता है, दिस एंजाइम पार्टिसिपेट्स इन फोटोसिंथेसिस, और इसको जो कोफैक्टर या मेटल एक्टिवेटर चाहिए होता है ना, वो कोफैक्टर या मेटल एक्टिवेटर होता है मैग्नीशियम आयरन, ठीक है। यहाँ पे Mg2+ चाहिए होता है, मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है एज अ कोफैक्टर और एक्टिवेटर, ताकि रूबिस्को एफिशिएंटली फंक्शन कर सके। एक और एंजाइम यहाँ पर यूज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, जिसका नाम होता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट।
और ये भी जो एंजाइम है इसको भी मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन चाहिए होती है अगर इसको एफिशिएंटली फंक्शन करना है तो, ठीक है? तो ये दोनों एंजाइम्स का एग्जांपल आप याद रख सकते हो. नाउ बिफोर वी कंटिन्यू आगे की चीजें हम पढ़ें, उसके पहले आप लोग मीटिंग रिजॉइन करिए.